हेलो फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी प्रोबेबिलिटी ही चल रहा है, उससे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चंस में हम डाइस पे बेस्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं इस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखा है, क्या है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, और थर्ड बोला है एन ऑड नंबर। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है दोस्तों। एक डाई को थ्रो किया गया है एक बार, ठीक है, और ये आपको पूछा गया है कि इन सभी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए। पहली बात तो दोस्तों आपको डाई के बारे में पता होना चाहिए। डाई में टोटल जो काउंटिंग होता है ना, जैसे आप, मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर लूडो वगैरह आप खेलते हो तो उसके अंदर आपको या तो नंबरिंग लिखा होता है या पॉइंट्स बने होते हैं, ऐसे 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट इस तरीके से, 4, 5 इस तरीके से बने होते हैं दोस्तों, या फिर नंबर होते हैं, वो 1 से 6 तक के नंबर्स होते हैं। तो अपन बात करें टोटल आउटकम्स की, कि आपने को दो चीजें चाहिए होती है किसी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। एक तो उस एक्सपेरिमेंट जो करने जा रहे हैं, जैसे डाई वाला हम एक बार थ्रो कर रहे हैं, तो इट इज एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम्स कितने होंगे, और फिर सेकेंड थिंग जिसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे प्राइम नंबर्स के लिए फाइंड आउट करें, तो प्राइम नंबर्स कि फेवर में, मतलब प्राइम नंबर्स कितनी बार आएंगे, कितनी बार आउटकम्स होंगे प्राइम नंबर्स के लिए, ठीक है। ये दोनों पता है तो आप प्रोबेबिलिटी बहुत इजी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। हम पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स उसमें हो जाएगा 1 से 1, 2, 3 कहां तक, 6 तक, टोटल को कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6, ठीक है। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर फर्स्ट की मैं बात करूं तो बोला है आप प्राइम नंबर, तो नंबर प्राइम नंबर्स के फेवर में आउटकम कितने होंगे, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। अब दोस्तों इसके अंदर 1 से 6 तक देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 तक में प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, तो पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर के लिए हमारा नंबर सिस्टम वाला जो लेक्चर, उसको आप देख सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देता हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आए या फिर 1 के टेबल में आए, मतलब यूं कह सकते हैं उसके हम फैक्टर्स नहीं कर सकते, उसके और टुकड़े नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, और वो एक इवन नंबर भी है, मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और इवन नंबर, ऐसा नंबर जो इवन नंबर भी हो प्राइम नंबर भी, तो खाली 2 है, इसके अलावा कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है, क्लियर फ्रेंड्स। फिर 3, 5, 7 आगे 11 इस तरीके से। तो यहां देखिए कौन कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, 2, 3 and 5। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से, 2, 3 और 5, इनकी टोटल काउंटिंग कितनी होगी दोस्तों, 3, क्लियर। तो मैं अब बोलू प्रोबेबिलिटी पी, फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन टोटल आउटकम्स। दोस्तों मैं बार बार इस फॉर्मूले को नहीं लिखूंगा, ठीक है, एक बार मैंने लिख दिया। तो पी ई अपना इवेंट इस समय क्या है, प्राइम नंबर, कोई एक क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो पी आप प्राइम नंबर, ई के प्लेस पर मैंने लिख दिया आप प्राइम नंबर या प्राइम नंबर लिखिए, क्लियर। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई, प्राइम नंबर के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 अपॉन टोटल आउटकम्स 6। कैंसिल आउट कीजिए अगर कुछ हो रहा है, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 1/2। अगर पॉइंट्स लाना है तो 0.5, तो यहां तक भी आपका आंसर सही है, और इसके आगे भी अगर पॉइंट्स ले जाते हैं तो ये भी क्लियर है, तो 0.5 आ गया, क्लियर है दोस्तों। अब सेकंड के लिए चलते हैं। सेकंड में आपको क्या पूछा गया, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में नंबर क्या लाएंगे, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में देखिए, 2 ये रहा और 6 ये रहा, इनके बीच में कौन कौन आ रहा है, 3, 4 और 5,
ठीक है दोस्तों, तो टोटल काउंटिंग कितनी होगी इसकी, 1 2 3 नंबर्स होंगे, तो बस p लाइंग बिटवीन 2 and 6 ओके okay? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके फेवरेबल 3 अपॉन टोटल 6 कैंसिल कीजिए, सेम वही सिचुएशन 1/2 मतलब 0.5 क्लियर। थर्ड में क्या पूछा है, n ओड नंबर दोस्तों, तो ओड नंबर क्या होता है आप जानते हैं, ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9 ऐसे, या फिर ओड नंबर जो 2 के टेबल में नंबर ऑफ ओड नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आए, ऐसा भी हमने पढ़ा है। ठीक है, ओड नंबर कौन से है, तो 1 है फिर 3 5 यही है, तो टोटल कितने होंगे दोस्तों, 3 ओड नंबर्स, तो वही फॉर्मूला लगाइए आप, p ओड नंबर, ठीक है ओड नंबर के फेवरेबल कितने होंगे, 3 और टोटल 6, तो कैंसिल कीजिए 1/2 क्लियर दोस्तों। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अब सेकंड लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देखिए कि अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस शोज द लेटर्स h गिवन बिलो, एक इस बच्चा है उसके पास एक डाई है, उस पे टोटल 6 फेसेस है, उस पे क्या-क्या शो हो रहा है, ये लेटर्स शो हो रहे हैं a b c d e और a। अब आप पूछा गया है कि द डाई इज थ्रोन वंस, एक बार उसको थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a, a आने के क्या चांस होंगे, d, d आने के क्या चांस होंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो टोटल आउटकम्स कितने हैं इसमें, ये देखिए आप, ये टोटल आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 5 6 क्लियर दोस्तों, 6 फेसेस थे तो टोटल 6 आउटकम्स ही होंगे। अब आपको बोला है कि a मुझे चाहिए, तो a के फेवरेबल आउटकम्स कितना है, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ a, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ a, a कितनी टाइम्स आया है, देखिए आप दोस्तों 1 और ये 1, 2 टाइम्स आया है a, ठीक है, तो बोल सकते हैं 2 टाइम्स आया a, तो प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है। फर्स्ट में आपको पूछा गया p क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, तो यहां a लिख दिया, तो a के फेवरेबल आउटकम्स 2 अपॉन टोटल आउटकम 6, 2 1 2 2 3 6 1/3 क्लियर दोस्तों, चाहो तो इसको पॉइंट्स में निकाल दो, नहीं तो यही तक रखिए। सेकंड आपको क्या पूछा गया, d, तो सेम वही सिचुएशन, फेवरेबल ऑफ d, फेवरेबल आउटकम ऑफ d, d कितने टाइम्स आया है देख लीजिए, आई थिंक 1 टाइम आया दोस्तों, एक बार ही आया, तो टोटल कितना हुआ 1, तो p प्रोबेबिलिटी ऑफ d, d यानी कि इसके फेवरेबल आउटकम्स 1 और टोटल 6, तो 1/6 हो जाएगा, क्लियर फ्रेंड्स। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या है इसके अंदर कि द डाइस, सॉरी 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 इज ग्रे, आपके पास इस समय 2 डाइस है, एक ब्लू कलर में है एक ग्रे कलर में है, ठीक है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, दोनों को एक साथ थ्रो किया जा रहा है, दोनों हाथों में लिया, एक हाथ में लेके इसको अपने थ्रो कर दिया, ओके फिर क्या बोला, राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इनके सारे आउटकम्स जितने भी आ रहे हैं उनको आपको लिखना है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 8 13 एंड लेस देन और इक्वल टू 12, उसने कहा था दोनों डाइस हमने थ्रो कर दिया, जैसे अब दोनों ऊपर की साइड में दोनों जो नंबर्स आए हैं, जैसे एक में आया 1 एक में आया 3, तो दोनों का सम क्या है, जैसे इसमें 1 और 3 4, तो उसी तरह से सम क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए, 13 मिलना चाहिए, या फिर लेस देन और इक्वल टू 12 मिलना चाहिए, ये केस बोला। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं दोस्तों, तो फिलहाल अपन इनको डिस्कस करते हैं, इन्हीं के बिहार पे आप दूसरे भी कर सकते हैं, क्लियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट में बोला ऑल पॉसिबल आउटकम्स चाहिए मुझे, क्लियर, तो दोनों डाइस पे जितने भी टोटल आउटकम्स होंगे वो हमें पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, सपोज वी हैव 2 डाइस,
सेकंड आई दोस्तों मेरी डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, पर ठीक है समझने की कोशिश करी है। टू डाइस है क्लियर। अब इनका ऑल पॉसिबल आउटकम्स लेते हैं। मैं सपोज फर्स्ट वाली पे वन आया, फर्स्ट टाइम थ्रो किया, सेकंड वाली पर भी वन आया। ओके नेक्स्ट फर्स्ट वाले को कॉन्स्टेंट रखेंगे, सेकंड वाले की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, हमेशा नोट कर लेना। वन वन फिर वन टू वन थ्री वन फोर वन फाइव और वन सिक्स। क्लियर। फर्स्ट वाले को कॉन्स्टेंट रखें, फिक्स रखेंगे और सेकंड वाले की वैल्यूज चेंज करते जाइए। ठीक है नेक्स्ट सेकंड में आप वन का काम हो गया, आप सेकंड केस में वापस टू लीजिए और फिर वापस इसके सेकंड वाले की वैल्यू चेंज करते जाइए। टू के साथ वन, टू के साथ टू, थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स। नेक्स्ट थ्री के साथ लीजिए वन थ्री टू थ्री 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 फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स। नेक्स्ट फोर के साथ फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स। सेम एज फाइव के साथ फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव फाइव एंड फाइव सिक्स। लास्ट वन फर्स्ट पे सिक्स, सिक्स के साथ वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव एंड सिक्स सिक्स। अब इसके अलावा कोई है नहीं, फर्स्ट के साथ कोई और नेक्स्ट लास्ट सिक्स ही था। अब दोस्तों ये टोटल आउटकम्स आ गए। अब आप अपनी आंखें बंद करके थ्रो कीजिए डाई को और सोचिए क्या क्या नंबर्स आया, उनका सम कीजिए तो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सम क्या मतलब, जैसे कि आपने थ्रो किया, आपने सोचा फर्स्ट पे थ्री आया और सेकंड पे फाइव आया, तो थ्री फाइव यहाँ मौजूद है क्या दोस्तों? देखिए थ्री वाले कॉलम में थ्री फाइव, ये ना और भी कुछ जो भी आप सोचेंगे दोनों डाइस के ऊपर क्या आया हुआ है यहाँ मिल जाएंगे। तो टोटल आउटकम्स हो गया। आप कितने होंगे काउंट करना, इधर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इधर इधर भी वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, तो सिक्स और सिक्स टोटल कितने हो गया 36। काउंट कर लीजिए आप आ जाएंगे। तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया दोस्तों, टोटल आउटकम्स 36। क्लियर है ये चीज, पर आपको टोटल आउटकम्स बनाना है दोस्तों, अगर नहीं आप करेंगे तो आपको इस मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब बोला गया सम एट, सम एट आना चाहिए। ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, क्या होना चाहिए, सम एट आना चाहिए। तो अब कहां कहां एट आ रहा है सम, जैसे इसके लास्ट को अगर सम करें वन प्लस सिक्स सेवन हो रहा है, इसमें तो कोई नहीं है। आगे बढ़े सिक्स प्लस टू एट हो गया। फर्स्ट वापस आगे देखिए इस वाले को फाइव प्लस थ्री एट, इसमें आ जाइए फोर प्लस नहीं है फोर प्लस फोर एट, इसमें फाइव प्लस थ्री सिक्स प्लस टू, तो हो गया दोस्तों इतने हो गए एट आने के। एक तो फर्स्ट में आया टू कोमा सिक्स, सेकेंड में आया आपका थ्री कोमा फाइव, थर्ड फोर कोमा फोर, नेक्स्ट फाइव कोमा थ्री और लास्ट में सिक्स कोमा टू। टोटल कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव, टोटल आउटकम्स कितने हो गए इसके फाइव। क्लियर है तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालते P, सम क्या मिलना चाहिए मुझे 8, ओके तो 8 के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए सम 8, जिसका सम 8 हो 5 अपॉन टोटल कितना है 36, तो 5 अपॉन 36 हो गया। आया दोस्तों समझ में, क्लियर है। आगे बढ़े अगला देखिए आप क्या बोला है आपको सेकंड के अंदर सम आपको क्या मिलना चाहिए, सम 13, सम मिलना चाहिए 13। अब दोस्तों देखो सबसे हाईएस्ट कितना है 6.6, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 12, तो 12 से बड़ा किसी का सम हो ही नहीं सकता, 13 तो आएगा ही नहीं किसी भी केस में, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है तो 13 का सम आने का कितना हो गया जीरो। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं 13 वाली तो क्या होगा, देखना सम ऑफ 13 तो P सम 13 मिलना चाहिए। ठीक है P सम 13 के लिए क्या होगा, देखिए इसके फेवरेबल आउटकम कितना है जीरो, जीरो अपॉन टोटल आउटकम्स अपना हम जानते हैं कितना 36, यहाँ लिख लीजिए आप 36 कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो में कुछ भी डिनोमिनेटर में होता है ना डिवाइड में, जीरो से जीरो को किसी से भी डिवाइड करो तो हमेशा जीरो होते हैं। क्लियर आगे बढ़िए लास्ट में थर्ड पे क्या बोला था, लेस देन और इक्वल टू 12,
थर्ड केस लेस देन और इक्वल टू 12, भाई 12 के बराबर हो या उससे छोटा हो। तो दोस्तों जितने भी हमने सम मिलने वाले हैं वो 12 के इक्वल या उससे छोटे मिलेंगे, चाहे तो उसे 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, so on, ये सब में 12 से छोटे मिलने। हाईएस्ट जो मिल रहा है 6 प्लस 6 12, जो इसके बराबर आ रहा है, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन बैठ रहे हैं वो सारे 12 से छोटे या फिर 12 के इक्वल होंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे सबको काउंट कर लो दोस्तों, कितना हो जाएगा अगर हम सबको जोड़े 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, टोटल मिल जाएंगे हमारे 36। क्लियर दोस्तों, सारे आ जाएंगे इसके अंदर 36। और टोटल आउटकम्स आप जानते हैं कितना है 36, तो प्रोबेबिलिटी निकाले p लेस देन लेस और इक्वल टू 12, ठीक है, p या दोस्तों सम लिखते हैं, p सम लेस और इक्वल 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 36 इसके फेवरेबल अपॉन 36 कितना हो गया 1, क्लियर। तो इसमें टोटल जितना था अपने फेवरेबल और टोटल कितना था दोनों इक्वल थे इसलिए 1 आ गया, क्लियर दोस्तों। तो ये था डाइस के ऊपर क्वेश्चंस। अब इसमें कहीं कुछ भी डाउट हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट्स करके पूछिए, और हमारा चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस पे लाइक कीजिए, कमेंट्स करके अपने क्वेश्चंस भी पूछिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। क्लियर फ्रेंड्स, थैंक यू।